देखो समुद्र कैसा होता है, शांत होता है, उसके अंदर भी तो नदियां जाती है ना, नदियां आती हैं लेकिन वो कभी भी अपने तटों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। वो बोलता है अभी नदियां आ गई हैं तो मैं अभी तटों की मर्यादा का अगर उल्लंघन कर देगा तो क्या होगा, तो सुनामी आ जाएगा। उसी तरह से भक्त को अपने हृदय को समुद्र की तरह बनाना, इच्छाएं आ जाए, इच्छाएं आना बुरी बात नहीं है लेकिन इन इच्छाओं के लिए अपने आप के नियम तोड़ना, अपनी नियमों की जो मर्यादा है, जैसे तटों की मर्यादा होती है ना, नियम की मर्यादा तोड़ना, उससे सुनामी आ जाएगा। कौन सा सुनामी? सुनामी क्या करता है? तबाही करता है। और ये सुनामी क्या करेगा? हमारी भक्ति की तबाही कर देगा। इसलिए इच्छाएं आना गलत नहीं है लेकिन इन इच्छाओं के लिए अपने जो बंध है उनको नहीं तोड़ना चाहिए, उसी से हमें आगे बढ़ना है। मर्यादा में रहना मतलब भक्ति, भक्त को सदैव अपनी मर्यादा में रहना है। उससे क्या होगा? उससे ये नहीं कि हम अपने आप को कुछ है ना अपने अपने के साथ बुरा कर रहे, वो क्या हो करता है, शांति मापनोति, उसी से शांति मिलने वाली है।